हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशंस को। केमिकल इक्वेशन को आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस तो इससे पहले केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे हमने एग्जांपल्स को देखा था। तो सबसे पहले उनमें से फर्स्ट वाला एग्जांपल था जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमको इस तरीके से बोल के लिखना नहीं कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट्स बर्न इन एयर विद अ डेजलिंग फ्लेम व्हाइट फ्लेम टू बर्न अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से हमको बोल के केमिस्ट्री के अंदर नहीं लिखना, हमको केमिस्ट्री में इक्वेशन की फॉर्म में लिखना। अब इस इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे Mg। Mg क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। अब मैग्नीशियम को हम लोग ट्रीट किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें हीट दिया। उसके बाद हमने हीट दिया, हीट करने के बाद फिर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। ये हो गया रिएक्टेंट और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन में हमेशा केमिकल रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब केमिस्ट्री के अंदर हमें केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखना होगा। इससे ये पता चलता है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, इनिशियली क्या है और फाइनली क्या बन रहा है, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट जब करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये तो सबसे पहला हो गया कि इसको केमिकल रिएक्शन को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट। तो सबसे पहले करना क्या है कि केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, और सेकेंड स्टेप ये है कि अब ये देखना है कि वो इक्वेशन बैलेंस में है या नहीं। तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था मैग्नीशियम था, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम क्या कर रहे हैं, हीट देते थे तो क्या बनाता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि इसको देखना कि यह बैलेंस में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? एक है। तो यहाँ पे दो नहीं लगाना, यहाँ पे अगर दो लगाएंगे तो पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ऐसे MgO2 कर देंगे तो ये पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमेशा जब भी लगाना तो इसके आगे लगाना। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है। तो इसके लिए हमको बैलेंस करना होगा ना, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो इसके आगे जब हम टू लगाएंगे तो दो ऑक्सीजन हो जाएगा। अब मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा? दो। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना? एक है, तो यहाँ पे दो लगा देंगे, तो दो मैग्नीशियम हो गया यहाँ पर भी और दो मैग्नीशियम यहाँ पे भी, दो ऑक्सीजन यहाँ पे भी और दो ऑक्सीजन यहाँ पे भी। तो ये इक्वेशन बैलेंस में हो गया। पहला स्टेप क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और सेकंड क्या है कि हमको हीट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना है जिससे बैलेंस करना। बैलेंस करना मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में देखना दोनों इक्वल है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम भी दो, ऑक्सीजन भी दो और ऑक्सीजन भी दो, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है उसके फिजिकल स्टेट को लिखना। तीसरा तरीका क्या है उसके फिजिकल स्टेट, जैसे ये मैग्नीशियम जो है ये किसमें, सॉलिड में है, लिक्विड है या गैस है? तो मैग्नीशियम क्या सॉलिड है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है? गैस है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन हीट, जो हीट का मतलब सिंबल होता है केमिस्ट्री के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब हो गया हीट, ट्रायंगल अगर देता तो समझ जाएगा कि हीट है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम को हाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? सॉलिड है। तो ये आपको तीन स्टेप करना, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि केमिकल रिएक्शन को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या, उसको देखना, बैलेंस करना उसको कि बैलेंस में है या नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या, उसके फिजिकल स्टेट को लिखना। थर्ड स्टेप हो गया उसके फिजिकल स्टेट को लिखना।